हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए हम बात करते हैं BSPSCL के बारे में। एक मेरे भाई का मेरे पास में कमेंट्स आया था कि गुरुजी आप मुझे ये बताइए कि मैं BSPSCL का जब जो फॉर्म मैंने अप्लाई किया था उसमें 10th सर्टिफिकेट जगह पे मैंने मार्कशीट का नंबर मैंने डाल रखा हूँ, तो क्या मेरा फॉर्म यह रिजेक्ट हो जाएगा क्या? इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सा भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल देख के, सोच के, समझ के अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैं कैंडिडेट देखता हूँ कि ये छोटी छोटी बहुत गलती करते हैं। कोई कैंडिडेट बोलता है कि जो मेरा कॉलेज का नाम है ना, उसमें पहला डिजिट गलत हो गया है। कोई बोलता है मेरा नाम में गलत हो गया है, पहला लेटर गलत हो गया है, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए क्या? तो देखिए, कोई सा ही फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप लोग को अप्लाई का एक महीना पूरा डेट मिलता है, वन मंथ अप्लाई डेट आपको मिलता है, फिर भी आप लोग छोटी छोटी गलती करते रहते हैं। इतना अगर छोटी छोटी आप गलती ऐसे करते रहें तो काम कैसे चलेगा? है, देखिए, कोई सा फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिस जगह पर जो चीज़ अगर मांग रहा है ना, तो उस जगह पर उसी चीज़ आपको देना है। अगर मार्कशीट का नंबर मांग रहा है तो आपको मार्कशीट का नंबर डालना होगा, बट सर्टिफिकेट नंबर अगर मांग रहा है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, है ना? तो ये पूछ रहे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए क्या? देखिए, ये जो फॉर्म है ये आपका मेरे हिसाब से तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन डाउटफुल है, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मार्च डॉक्यूमेंट तो आपका है ही, मेरे हिसाब से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन डाउटफुल आए है ना, 1% है, हो सकता है, लेकिन 99% है कि आपको रिजेक्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जहाँ तक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आज के जितना भी डेट में अप्लाई हो रहा है सब जगह ये नंबर मार, जैसे वो नंबर डालेंगे तो उस पर खुल जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी गलती है ना, छोटी छोटी गलती आप लोग मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम बाद आती है, फिर आप लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में भगवान ना करे किसी का फॉर्म छठे रिजेक्ट हुआ ना, फिर समझिए कि आप लोग कितना पीछे चले जाएंगे, आपका टाइम, बहुत सारा टाइम चला जाएगा। आप जितना टाइम से वेट कर रहे थे कि ये बहाली आएगी आएगी, चाहे कोई सा बहाली हो, BSPCL हो, LP हो, बिहार पुलिस हो, UP पुलिस हो, SSC हो, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जिस लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो ये छोटी छोटी गलती नहीं होती है। ये इसमें क्या होता है कि आपका कुल मिलाकर बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, वैकेंसी भी हमेशा नहीं आती है, फिर आपने जितना पढ़ाई का मेहनत किया हुआ है, मान के चलिए आपने मेहनत बहुत टाइम से मेहनत पढ़ाई में कर रहे हैं, और जब एंड टाइम आए उस टाइम फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाए तो ये कैसे बीतेगा? तो मैं जितना भी, जो भी कैंडिडेट है, मेरे भाई जो भी है ना, जो मुझे